Hustle. नमस्कार, पूछता है उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुभाष गौड़। आज पूछेगा उत्तराखंड कि क्या हरीश रावत बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले और मतदान के बाद भी बीजेपी के कई नेता या फिर यूं कहें कई विधायक हरीश रावत को बड़ा नेता नहीं मानते, लेकिन बावजूद उसके अभी भी लगातार हरीश रावत के नाम पर वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी एक नया मामला आया है पूरन सिंह फर्तियाल का, जो विधायक हैं बीजेपी के और हरीश रावत को वो बड़ा चेहरा नहीं मानते, बड़ा नेता नहीं मानते। वो कहते हैं वो पलायन करने वाले नेता हैं, जो लगातार अपनी विधानसभाओं से पलायन करते हैं, अपने पहाड़ों से पलायन करते हैं और बात करते हैं पलायन को कम करने की, यानी कि लोगों को पहाड़ों में रोकने की कोशिश तो वो करते हैं अपने बयानों के जरिए, लेकिन खुद पहाड़ों में वो रुकने को तैयार नहीं है। लगातार अपनी विधानसभाओं से वो पलायन कर लेते हैं और यही वजह है कि वो अभी तक ये नहीं बता पाए कि आखिरकार उनकी पैतृक सीट कौन सी है। और वो बड़े नेता इसीलिए नहीं है क्योंकि इस चुनाव में वो अपनी विधानसभा से बाहर ही नहीं गए। यदि बड़े नेता होते तो पूरे प्रदेश में चुनाव में प्रचार करते। आखिरकार क्या कहा पूरन सिंह फर्तियाल ने, जरा आपको सुनाते हैं और उसके साथ ही सुनाएंगे कि कांग्रेस का उस बयान पर क्या कहना है। आखिर कह कौन रहा है कि हरीश रावत को अपना नेता मानिए? हरीश रावत कांग्रेस जनों के नेता हैं, इस उत्तराखंड के नेता हैं। आज सारे सर्वे में वो मुख्यमंत्री की चॉइस के रूप में नंबर वन के पायदान पे हैं, तो उसके बाद पूरन फर्तियाल जी कितनी भी अपनी डुगडुगी पीट लें उससे फर्क क्या पड़ता है। और जहां तक एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय पूरन फर्तियाल ने यह कहकर दिया कि हरीश रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ा या तराई को वो पलायन कर गए, क्योंकि ये सभी उत्तराखंड का हिस्सा है। या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे अगर उसका स्टैंड ये है कि हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, तो इस बात को पब्लिकली जग जाहिर कर देना, हरिद्वार भी तो उत्तराखंड का हिस्सा है। और इतना साहस कोई और नेता दिखा नहीं पाता कि अपनी गृह सीट से इधर वो कोई और सीट का चुनाव कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके पीछे पूरी भाजपा उत्तराखंड की लाभबद्ध थी, वो तक खटीमा को नहीं छोड़ पाए, साहस नहीं जुटा पाए। और जहां तक बाकी सीटों में प्रचार करने का सवाल है महोदय, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि चुनाव आयोग का था, कोविड प्रोटोकॉल था, कहीं पर प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाया जा सकता था। बावजूद इसके 70 से 70 विधानसभाओं में वर्चुअल रैली करने वाले एकमात्र नेता हरीश रावत जी हैं और मात्र 12 दिन का समय मिला था चुनाव प्रचार के लिए। हरीश रावत जी को इसलिए भी ज्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूं, जो व्यक्ति प्रदेश का कहता है कि हमारी सरकार आएगी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाया है। एक प्रत्याशी के तौर पर रहा, वो लीडर के तौर पर नहीं रहा। और दूसरी बात, वो लगातार कहते हैं प्लान 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 की बात करते हैं, उनने खुद का अपना प्लान किया। हमारी अल्मोड़ा लोकसभा ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास किया, 3 बार उनको लोकसभा का सांसद बनाया। उसके बाद वो पहाड़ से तराई में पलायन हो गया, हरिद्वार लोकसभा लड़ने आए, और उसके बाद दोबारा जब उनको 2017 में मौका मिला विधानसभा का, तो उनने जो है तराई को चूज किया, फिर वहाँ पर चोट खानी पड़ी। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ में जाने की, पहाड़ के पलायन की बात करने वाले नेताओं को हम नकारते हैं, पहले अपनी कथनी करनी पर जाए। अगर वास्तव में वो पलायन के डिसफेवर हैं और पलायन पे वास्तव में योजना करना चाहते, तो अपना पलायन पहले रोकें। एक इतने बड़े नेता खुद पलायन कर गए हैं और वो पलायन की बात करते मेरे गले से नहीं उतरती है। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जहाँ से मैं विधायक आया हूँ उसी लोकसभा के वो 3 बार सांसद रहे। तो आपने सुना पूरन सिंह फर्तियाल कहते हुए नजर आए कि हरीश रावत एक बड़े नेता नहीं है, उन्होंने लगातार अपनी विधानसभाओं से पलायन किया है, और जो बड़ा नेता होता है वो अपनी विधानसभा के अलावा पूरे प्रदेश के चुनाव में नज़र रखता है, लेकिन हरीश रावत को अपनी सीट का ही खतरा था,
जो अपनी सीट नहीं बचा सकते वो बड़े नेता कैसे हो सकते हैं। अब सवाल यही कि क्या बीजेपी को कांग्रेस में केवल हरीश रावत ही नजर आते हैं? क्या यही वजह है कि लगातार प्रदेश के नेताओं के अलावा केंद्रीय नेता भी हरीश रावत के नाम पर मंचों से नाम लेते हुए नजर आते हैं और उनके कार्यकाल में जो काम नहीं हुए उनको गिनाने की कोशिश करते हैं? आखिरकार हरीश रावत क्या सच में बड़े नेता नहीं हैं, या फिर हरीश रावत इतने बड़े नेता हैं कि लगातार बीजेपी के सभी विधायकों को उनका नाम बार बार लेना होता है? आज इसी पे करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से संजीव वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ अमनदीप जी हैं। अमनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार अजय पांडे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत अमनदीप जी आपसे करते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बीजेपी के सभी लगभग, चाहे वो संगठन के हों या फिर पार्टी के, या फिर यूं कहा जाए सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं, वो लगातार हरीश रावत को टारगेट करते हैं। लेकिन चुनाव से पहले भी देखा गया कि हरीश रावत को कहीं ना कहीं बड़ा नेता, बड़ा लीडर्स वो नहीं मान रहे थे। और चुनाव यानी कि मतदान होने के बाद भी उनके विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पलायन करने वाले नेता हैं, कोई बड़े चेहरे नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, इनके विधायकों के कहने से या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि ये अपनी पार्टी देखे। अब इनका हाल तो ये हो रखा है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो कहावत है, वो आज सरकार के ऊपर पूरे तरीके से देखी जा रही है किस प्रकार से भाजपा सरकार खिसिया रखी है। और चाहे वो चुनाव से पहले की बात हो, चाहे चुनाव के बाद की बात हो, चाहे मतदान के दिन की बात हो, तो ये इनके प्रत्येक विधायक, इनके विधायक जो है, अरे आप अपने नेता संभालिए, और नेता बड़ा या छोटा वो बात अलग है, लेकिन जो हरीश रावत जी के जैसे आज इन्होंने टिप्पणी की है कि वो बड़े नेता नहीं और हम नेता नहीं मानते, तो आपके नेता मानने से और ना मानने से हमारे पे और किसी पे, प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी पार्टी में रहिए और अपनी पार्टी में जो नेता है उनको देखिए, आप अपनी अपने गिरेबान में झाकिए। इनका काम है दूसरों पे उंगली उठाना। अभी मैंने जिस प्रकार से कहावत आपको बताई, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, सरकार का वो हाल हो चुका है आज की डेट में कि इनको अपने मुद्दे, अपनी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, दूसरों को नेता। और अभी आपने बिल्कुल बात सही कही थी, हरीश रावत जी बहुत बड़े नेता हैं तो वो इनकी आंखों में खटक रहे हैं, तो ये उनपे, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि चाहे चुनाव से पहले की बात हो, अभी चाहे चुनाव की बात हो, ये उन्हीं पे उंगलियां उठा रहे हैं। और हमारे कांग्रेस में नेता कौन कौन बड़ा नेता, और प्रत्येक, ये हम सब कार्यकर्ता हैं पार्टी के जो काम कर रहे हैं। अरे आप अपनी गिरेबान में जाके और आप अपने आप को देखिए कि किस प्रकार से कार्यशैली आपकी चल रही है। वर्मा जी, आपने सुना अमनदीप जी कह रहे हैं कि आप लोग शायद घबरा गए हैं इसलिए बार बार हरीश रावत का नाम ले रहे हैं। क्या आप लोगों का भी यही मानना है कि हरीश रावत बड़े नेता नहीं है, फिर या यूं कहा जा रहा है कि डर ज्यादा आप लोगों को सता रहा है? वर्मा जी, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज आप लोगों की नहीं पहुंच पा रही हम तक। चलिए अभी फिर से आपको जोड़ेंगे। अजय पांडे जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि हरीश रावत को लेकर लगातार बीजेपी के तमाम नेता बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं? आखिरकार क्या वो वजह है कि हरीश रावत बनाम बीजेपी चुनाव को बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जो पूरा चुनाव रहा इस बार का विधानसभा के अंदर, इसमें हरीश रावत बनाम बीजेपी ये चुनाव रहा। और इस चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के तमाम जो लीडर रहे हैं टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ हरीश रावत को ही टारगेट बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से किया गया। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, या तमाम केंद्रीय मंत्री जो उत्तराखंड के दौरे पर रहे, उन सभी ने हरीश रावत को ही टारगेट किया। तो पूरी जो लड़ाई रही ये कांग्रेस बनाम बीजेपी की जगह पर बीजेपी बनाम हरीश रावत रही है। और एक तरह से देखा जाए तो हरीश रावत को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि कांग्रेस ने हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया था, और बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि इस समय एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के तहत हो सकता है कि उनकी सरकार वापस न लौटे, और तमाम जो विधायक इस समय पार्टी के अंदरूनी भीतरघात को लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं, जो कई नेताओं को वो
एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, तो उसका एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर प्रमाण भी मिल रहा है। कुल मिलाकर के हरीश रावत उत्तराखंड के एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं, माने जाते हैं, जिनके पास अनुभवों की कमी नहीं है। और आप एक चीज और समझ लीजिए, चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या जिस भी पार्टी के जो नेता हो, अगर वो नेता ज्यादा चुनाव हारता है, जो लड़ाई में जंग में हार जाता है, वो अगली लड़ाई में जीतने के लिए तमाम प्रयास करता है। और यही वजह है कि हरीश रावत के नाम पर चुनाव जीतने से ज्यादा चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। ऐसे में हरीश रावत एक ज्यादा अनुभवी नेता के तौर पर उत्तराखंड में माने जाते हैं। और केंद्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो केंद्रीय नेता के तौर पर भी हरीश रावत की एक अच्छी खासी है, अच्छा नाम है, और उनको कांग्रेस समय समय पर अपने अन्य कार्यों के लिए उपयोग कर सकती है, चाहे कहीं पर राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते किसी राज्य में नेताओं के बीच में आपसी गुटबाजी का मामला हो उसको हल करने या तमाम अन्य बातें रही। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर भी हरीश रावत ने तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिनको लेकर के बीजेपी के नेता भी इस बात को स्वीकारते हैं और तमाम लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं कि हरीश रावत ने कई कई अच्छे कार्य भी किए हैं। हालांकि राजनीति में देखिए एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, चाहे बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, सभी एक दूसरे के ऊपर तमाम विषयों को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के एक तरह से उनको टारगेट करते हैं और उनकी बातों को, उनकी कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल आता है कि क्या वो बड़े नेता के तौर पर नहीं माने जा रहे हैं, छोटे नेता के तौर पर माने जा रहे हैं, देखिए राजनीति में कोई बड़ा नेता नहीं होता है, कोई छोटा नेता नहीं होता है। पार्टियों की ओर से जिसको जो दायित्व दिया जाता है, अगर उस दायित्व का वो बखूबी निर्वहन करता है, उस काम को अंजाम देता है, उस कार्य को पूरा करता है, वो बड़े नेता के तौर पर माना जाता है। खासतौर पर अगर हम ये कहें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में बीजेपी की दूसरी पंक्ति के नेता के तौर पर देखे जाते रहे हैं, लेकिन उनको एक बड़ा दायित्व पार्टी ने दिया है। इसी तरह से हरीश रावत भी लगातार काफी कम समय से एक लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ वो छोटे दायित्वों के साथ साथ बड़े दायित्वों का भी उन्होंने निर्वहन किया है। तो ऐसे में भले ही एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हों, चाहे बीजेपी के विधायक इस समय ये कह रहे हैं कि वो पलायन करने वाले नेता हैं, तो तमाम ऐसे नेता भी बीजेपी के अंदर भी हैं, कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका नाम लेना चाहेंगे कि वो सारे नेता पलायन करके आ रहे हैं दूसरी जगह पे चुनाव लड़के। तो ये पार्टियों का अपना संवैधानिक कार्यक्रम रहता है, एक तरह से उनका संविधान रहता है, उसके उनके नियम रहते हैं कि किसी भी नेता को कहीं पर भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो उसका निर्वहन उनको करना होगा, अगर उसका निर्वहन बेहतर तरीके से करेगा। संजीव वर्मा जी, आपसे मैं सवाल मेरा ये था कि हरीश रावत को आपकी पार्टी के सभी नेता बड़ा नेता नहीं मानते हैं, आपका भी यही मानना है? सुभाष जी देखिए, जिस प्रकार से हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए दो दो सीटों से अपना चुनाव हार जाते हैं, लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, लगातार जिस सीट से एक बार चुनाव लड़ते हैं अगली बार उस सीट को छोड़ के एक नई सीट पर पलायन कर जाते हैं, एक नई सीट को चुनने का वो लोग काम करते हैं। पूरे विधानसभा चुनाव में 2022 में अपनी सीट से बाहर वो निकल नहीं पाए, और यदि उन्होंने चुनाव में प्रचार किया तो हरीश रावत जी का प्रचार किया, यानी कि अपना प्रचार किया, और एक अपनी बेटी अरुपमा रावत का प्रचार किया। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बाकी के जो 68 चेहरे 68 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के थे, यदि बड़े नेता हैं तो आपको उन 68 लोगों के लिए भी सोचना चाहिए था, उन 68 लोगों के चुनाव क्षेत्रों में जाकर उनको भी विजय दिलाने के लिए काम करना चाहिए था। आप उन लोगों के क्षेत्रों में गए नहीं तो या आपको बुलाया नहीं या आप गए नहीं, यह तो कांग्रेस के भीतर की बात है, इसमें मैं ज्यादा जानना चाहूंगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस वर्मा जी, मैं ये आपने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हैं वो चुनाव हार गए, आपकी पार्टी में भी मुख्यमंत्री रहते हुए खंडूरी जी चुनाव हार गए थे? सुभाष जी देखिए, हरीश रावत जी की बात हो रही है, हरीश रावत जी जिस तरह से
लगातार उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो 7 बार चुनाव हारे। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, आप कांग्रेस में बड़ा नेता किसको मानते हैं उत्तराखंड में? देखिए कांग्रेस के अंदर इतनी जबरदस्त उठा पटक है, कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं वो एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, और जिस तरह से हरीश रावत जी कंटिन्यू बात बोलते रहे हैं मुझको इन मगरमच्छों से बचाओ, इन मगरमच्छों ने मुझको घेर लिया है, और लगातार वो जिस तरह से बार बार दिल्ली जाके एक गुहार लगाते हैं कि या तो मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करो या मैं घर बैठूंगा, और चुनाव के चलते जिस समय चुनाव एक पीक पर था उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं घर बैठूंगा और जनवरी में मैं घर बैठ जाऊंगा। तो एक तरह से अपने वरिष्ठ नेता नेतृत्व अपने अलग कमान को भी वो या तो धमकाने का प्रयास कर रहे थे या उनके सामने एक ब्लैकमेलिंग वाली एक स्थिति में थे, और जिस तरह से एक मैं सोचता हूँ कांग्रेस के अंदर ये एक तरह से आप लोग तो शायद मानते हो या ना मानते हो लेकिन ये एक बड़ी अनुशासनहीनता थी, और जिस तरह से आप लोगों की एक एक्टिविटी चली आप। अच्छा वर्मा जी क्या सोच के आप बड़ा नेता नहीं मानते, मतलब क्या वजह है, वजह क्या है? सुभाष जी आप ये देखिए अगर वो बड़े नेता होते तो अपनी जो रामनगर की सीट से उनको आलाकमान ने टिकट दिया था और आपके कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत जी ने उनका टिकट कटवा के ही दम लिया, और तो और आपके कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत जी ने इतना तक बोल दिया 5 साल से मैंने यहाँ पर खेती करी और ये बुलडोजर लेके मेरी खेती उजाड़ने आ गए हरीश रावत, और उनके खाली उनके कहने के पर और उनके एक तरह से आला कमान के ऊपर दबाव देने पर उनका टिकट काटा गया रामनगर से, और रामनगर से टिकट काटने के बाद उनको दूसरी जगह से रामनगर से टिकट काट दिया अवंती भाई कितने सहमत हैं आप संजीव वर्मा की बातों से? सुभाष जी एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई है, 30 सेकंड अवंती जी अनम्यूट कर लीजिए। सुभाष जी जिस तरह से उन्होंने अपनी रामनगर सीट से मैं संजीव वर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं उनकी एक एक चीज का जवाब देने को तैयार हूँ, जवाब देता हूँ संजीव वर्मा जी को, क्योंकि वर्मा जी बात कर रहे हैं बड़े नेता छोटे नेताओं की। अगर वो बड़े नेता होते तो रामनगर सीट से ही चुनाव लड़ते और जीत कर दिखाते। अच्छा मतलब आप मानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी बड़े नेता नहीं है? आप मानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बड़े नेता नहीं है जो डोईवाल की सीट छोड़ के भाग गए? आप मानते हैं वर्मा जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बड़े नेता नहीं है आपके लिए? क्योंकि आप अरे आप औकात पे मत जाइए, आप अपनी औकात देखिए, औकात ही नहीं है आप लोगों की औकात ही नहीं है त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए। अपनी लैंग्वेज पे नियंत्रण दीजिए वरना मैं भी बहुत गंदे तरीके से बात कर सकता हूँ तमीज से। वर्मा जी शब्दों का नियंत्रण दीजिए वर्मा जी, आप लोग भ्रष्टाचार में डूबे। वर्मा जी आप न्यूज चैनल पे डिबेट में बैठे हैं, आप लोग तमीज से बात कीजिए, बदतमीजी हमें भी आती है। अब ये आप लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भ्रष्टाचार में कौन डूबा हुआ है वो पूरे प्रदेश की जनता को पता है, आप ही के मुख्यमंत्री के ऑफिस से खनन के ट्रकों के लिए लेटर निकल जाते हैं। आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, आप बात कर रहे हैं जीरो टॉल, अरे आप रहने दीजिए वर्मा जी, आपके पास जवाब नहीं है ना अभी। आपने 5 साल में 3 दिन मुख्यमंत्री दिए, क्या किया उत्तराखंड के लिए, क्या किया उत्तराखंड के लिए बताइए, क्या क्या किया उत्तराखंड के लिए एक चीज बता दीजिए। अरे आप डिबेट को अगर मैं आप घुमा रहे हैं, हमें भी घुमाना आता है, हमें भी घुमाना आता है, हमने क्या नहीं किया बताइए आप लोगों ने, आप मुझे एक चीज बता दीजिए विकास, बताइए क्या किया आप लोगों ने। आप बात कर रहे हैं बड़े नेता छोटे नेताओं की, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ा नेता नहीं मानते हैं ना, क्योंकि आपकी डोईवाला विधानसभा से उन्होंने साफ तौर पर लेटर लिख दिया दिल्ली को कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। बताइए वर्मा जी आप बड़े नेता नहीं मानते उन्हें? आप अगर आज आरोप लगा रहे हैं कि हारने की और वो हार रहे हैं, अरे आप लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ा नेता नहीं मानते हैं, और आपके किसी और पार्टी में बड़े नेता और छोटे नेता मानने से क्या हो जाएगा आप बताइए ना। बात करने की उनके लिए
आप लोगों की औकात ही नहीं है मेरे भाई। आपकी औकात है, आपकी औकात है। अरे आपकी हैसियत है क्या हरीश रावत जी के बोलने की? क्या औकात है बताइए, बताइए। अरे 56 इंच का सीना, अरे हमें मत दिखाइए 56 इंच का सीना, पूरे देश को पता आपके 56 इंच का सीने की। आप अपनी अपनी हैसियत में रह के बात कीजिए। अरे कहीं नहीं दी है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, आपने प्रदेश को ठगने का कार्य किया है मात्र और मात्र। आप बात कर रहे हैं आपके ही लेटर, आपके मुख्यमंत्री के ही ऑफिस से खनन के ट्रकों को छोड़ने के लिए लेटर जारी होते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं? संजीव वर्मा जी अपने गिरफ्तार में जाके उसके बाद इस डिबेट में आगे बात कीजिए। आप बात कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा अमनदीप जी और संजीव वर्मा जी, हजारों करोड़ रुपए का। वर्मा जी आप करी विभाग, देखो मैंने पूरा 2 मिनट दिया आप लोगों को, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का धंधा आप लोगों ने चलाए रखा। वर्मा जी भाजी ने बुलाइए, आप इन्हें तो बुलाया, बुलाइए वर्मा जी को। वर्मा जी को बुलाने से पहले कहा कह दीजिएगा कि अपनी जो लैंग्वेज है उसमें कंट्रोल रखिए, वरना बोलना हमें भी बहुत गंदे तरीके से आता है, लेकिन एक मर्यादा होती है न्यूज चैनल की, इनको बात करने की अकल नहीं है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो आप लोगों के शब्द हैं उनका चयन कृपया करके डिबेट में अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। आपको जनता देख रही है, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी पार्टी का, सभी लोग आप लोगों को देखते होंगे, मिलते होंगे, वो जब देखेंगे कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या सोचेंगे? सुभाष जी मेरा मेरा अनुरोध है, मेरा अनुरोध है आप दोनों से, कृपया शब्दों का जो चयन है वो अच्छा रखें। अब जो डिबेट का मुद्दा था, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि मुद्दा क्या था। हरीश रावत को बड़ा नेता नहीं मानते बीजेपी के सभी नेता, ये मुद्दा था। आप चले गए कहीं और, आप कहने लगे अशब्द। मैं चाहता हूं कि शब्दों का जो चयन है, कम से कम टेलीविजन पर सभी लोग आप लोगों को देखते हैं, उनका चयन बेहतर रखें। अजय पांडे जी आपके पास जाऊंगा मैं, आपने देखा हरीश रावत के नाम पर दोनों ही राजनीतिक दलों में उठापटक है। बीजेपी को हरीश रावत का नाम गाने की आदत हो गई है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर राज्य के तमाम नेता, छोटा से छोटा नेता भी हरीश रावत का नाम लेने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस में विपरीत है, कांग्रेस की स्थिति यह है कि हरीश रावत के नाम पर कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग नाराज होकर बैठ जाते हैं। तो क्या हरीश रावत सच में इतने बड़े नेता हो गए बीजेपी के लिए और कांग्रेस में ऐसी स्थिति हो गई कि हरीश रावत बनाम प्रीतम सिंह हो गया, या फिर यूं कहा जाए कि दो गुटों की जो बात कही जाती थी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी, दो गुटों की वजह से मानते थे सभी बाद में ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे में कि नुकसान हुआ, लेकिन इस बार जो चुनाव था कांग्रेस का वो कई मायनों में अलग था, ये मानते हैं आप? क्योंकि जो गुट थे वो बीजेपी में बहुत ज़्यादा नजर आए और कांग्रेस में बहुत कम। अनम्यूट कर लीजिए अजय पांडे जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट जी, बोलिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 10 मार्च को मतगणना के बाद ये पता चलेगा कि उत्तराखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी और जनता ने किसके विचारों पर मुहर लगाया है, किसके मैनिफेस्टो पर मुहर लगाया है और किसको 5 साल के लिए आगे सत्ता में बैठाने का। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला 10 मार्च को आएगा, हालांकि जनता ने अपना फैसला कर दिया है। राजनीतिक दलों के नेताओं को लेकर के जो परिचर्चा हो रही है, जिस विषय पे हम बातचीत कर रहे हैं, देखिए हरीश रावत को बीजेपी बड़े नेता के तौर पर यहाँ प्रायोजित कर रही है एक तरह से, हालांकि दूसरी पार्टी है वो, क्योंकि जितने भी बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के जो उत्तराखंड आए उन सबने हरीश रावत को टारगेट किया, उनको एक तरह से बड़ा नेता मान लिया है। कांग्रेस की ओर से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से हरीश रावत को लेकर के कहीं से कोई बयानबाजी नहीं आ रही है। बाजी का जो दौर कांग्रेस के अंदर देखा जाता रहा है फिलहाल वो थमा हुआ है। अब चुनाव परिणाम के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, किस तरह से बयानबाजी होती है, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड कांग्रेस में इस समय दो गुट बटे हुए हैं, एक गुट हरीश रावत का है, एक गुट प्रीतम सिंह का है
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर अभी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से हरीश रावत भी खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह साइलेंट मोड में है, वो बहुत सारी चीजों को शो नहीं कर रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने अपनी आगामी रूपरेखा तय कर ली है, वो बता रहे हैं जनता के बीच में कि वो क्या करने वाले हैं और क्या उनसे कमियां रह गई पिछली सरकार के दौरान जो वो नहीं कर पाए। अब ठीक है, नहीं कर पाए। पांडे जी आपके पास फिर आऊंगा मैं। वर्मा जी, आपने सुना कि अजय पांडे जी ने कहा कि आप तो कह रहे हैं कि बड़े नेता नहीं हरीश रावत, ठीक है मान लिया, लेकिन आपके केंद्र के जो बड़े नेता हैं वो हरीश रावत का नाम लेकर क्यों कहते हैं बड़े बड़े मंचों से? चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने हरीश रावत का नाम लिया, अमित शाह ने हरीश रावत का नाम लिया, जेपी नड्डा ने हरीश रावत का नाम लिया, जब वो बड़े नेता ही नहीं है तो आप उनका नाम क्यों लेते हैं खुले मंचों से? सुभाष जी देखिए, हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, और जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में मैं सोचता हूँ जिस तरह से उन्होंने अपने नाम को आगे रख के लगातार कांग्रेस के अंदर राजनीति करने का काम किया, और बाकी और अन्य जो गुट हैं उसमें यशपाल आर्य जी का भी एक गुट नया जुड़ गया है जो कि बीच में पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, और प्रीतम सिंह जी का और हरीश रावत जी का जग जाहिर है। एक जो 36 का आंकड़ा है, कभी वो इनको डाउन करते हैं, कभी ये उनको डाउन करते हैं, कभी वो इनके प्रत्याशियों को हराते हैं, कभी ये उनके प्रत्याशियों को हराते हैं। तो आपस में जो एक द्वंद्व युद्ध कांग्रेस के अंदर लगातार चल रहा है तो वो तो किससे छिपा हुआ नहीं है। जिस तरह से मेरे छोटे भाई अमन जी अभी बोल रहे थे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे आपकी कहावत बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चरितार्थ हो रही है पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से अभी कांग्रेस ने और माननीय हरीश रावत जी ने ही लगातार एक ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए, पोस्टल बैलेट के ऊपर सवाल उठाए, तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना यानी कि आप लोग एक पूर्व में ही अपनी हार एक पूर्व निश्चित समझ बैठे हैं कि हम लोग हार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हार रही है, और कांग्रेस पार्टी हार होने की दिशा में हम जनता के बीच क्या बोलेंगे कि हम क्यों हारे। तो हम पहले से एक इस तरह से एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं और स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कांग्रेस के अंदर कि हार होने पर हम उसका ठीकरा फोड़ देंगे ईवीएम के ऊपर, हम उसका ठीकरा फोड़ देंगे पोस्टल बैलेट के ऊपर। अभी तक ये कभी तो कर्मचारियों के ऊपर बात कर रहे थे कि कर्मचारियों ने उस पर गलत किया, कभी फोर्सेस के ऊपर उंगली उठा रहे थे, अभी बीच में इन्होंने सेना के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी, और तो और हद तो जब हो गई जब इन्होंने जो बुजुर्ग जनता थी जिन लोगों ने घर बैठ के जो लोग और दिव्यांगजन जो मतदान केंद्रों तक जा नहीं सकते थे और जाने में अक्षम थे, वो उन लोगों ने सरकार ने पहली बार उन लोगों से अपने घर पे बैठकर ही मतदान करने का एक जो उन्हें सुविधा दी, कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर एक सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आपने उसमें भी गड़बड़ी करी। तो आपका जनता के ऊपर विश्वास नहीं, आपका सेना पे विश्वास नहीं, आपका फोर्सेस पे विश्वास नहीं, आपका कर्मचारी पे विश्वास नहीं, आपका चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, आपका न्यायपालिका पर विश्वास नहीं। भाई किसी पे तो होगा, किसी पे तो होगा, कोई तो एक ऐसी अमनदीप जी कोई आपने सुना जी। वर्मा जी लगातार कई गंभीर आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोगों का किसी पर तो भरोसा होगा, तो किस पर है भरोसा, हरीश रावत पर? देखिए जो संजीव वर्मा जी बता रहे हैं हमें और चीजें गिना रहे हैं तो हंसने वाली बात भी है और हंसी भी आती है कि वर्मा जी अपनी चीजों को छुपाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी पे विश्वास किसी नहीं होगा। अरे कांग्रेस पार्टी का अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में विश्वास है, हमारे प्रदेश के विश्वास है, प्रत्येक कार्यकर्ता का सभी पे विश्वास है, पूरी प्रदेश की जनता भी विश्वास है,
और दूसरी बात संजीव वर्मा जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो स्क्रिप्ट हमें बता रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, मेरे को नहीं पता कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और हो सकता है भाजपा में लिखी जा रही हो तभी आपको ज्ञान है इस चीज का। और यही अभी देखिए 10 मार्च के बाद ही पता लगेगा किसकी सरकार बनने जा रही है और क्या चीज है। संजीव वर्मा जी आपके बीच में मैं बोला नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अब आप मत बोलिए आप इंटरप्ट मत कीजिए, आप बोलिएगा, आपको भी टाइम दिया जाएगा, सुभाष जी आपको भी समय देंगे, मुझे भी दे रखा, मेरे को मेरी बात रखने दीजिए, मैं बोल लूं। तो ये जो वर्मा जी बता रहे हैं स्क्रिप्ट है, तो ये स्क्रिप्ट तो अब 10 मार्च के बाद ही पता लगेगी भाजपा सरकार क्या मुंह दिखाएगी प्रदेश की जनता को, क्योंकि प्रदेश के अंदर निरंतर जिस प्रकार से कार्य भाजपा ने किया वो सभी के आ गया। और अभी ये डिबेट कार्यशैली पे नहीं है, वरना मैं कार्यशैली पे गया तो डिबेट बहुत लंबा चले जाएगा। और रही बात इनकी पूरन फरतियाल जी की, तो पूरन जी को तो ऑलरेडी ही आपका अनुशासनहीनता के तहत बंसीधर भगत जी द्वारा 26 सितंबर 2020 में एक लेटर भी दे दिया गया था कि इन्होंने इनकी पार्टी के बरखिलाफ ही बोल दिया गया था। और संजीव वर्मा जी मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा, दैनिक जागरण की ये खबर है, जो अनुशासनहीनता का लेटर आपके पूरन फरतियाल जी को दिया गया था और एक हफ्ते का समय दिया गया था जिसके तहत उनको उसके ऊपर जवाब देना था। तो जो जो विधायक अपनी पार्टी के लिए ठीक नहीं है तो वो दूसरी पार्टी का आकलन कहाँ से करेगा। और इनके और हमारी सेहत पे और हमारे कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है सुभाष जी, कि ये हमें हमारे नेताओं को बड़ा नेता माने या ना माने, ये अपने अपने गिरेबान में झाके, क्योंकि इनके गुटबाजी और ये जो गुटबाजी की बात करते हैं ये साफ तौर पर भाजपा पे जिस प्रकार से नजर आती है वो पता है। और वर्मा जी जो बात कर रहे थे कि हमारे हरीश रावत जी किसी भी विधानसभा में नहीं गए हैं, तो ये शायद इनका वहम है। मैं खुद राजपुर विधानसभा से आता हूँ, राजपुर में भी हरीश रावत जी ने कन्वेंसिंग करी, रायपुर में भी करी है, डोईवाला में भी करी है, हर 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 जगह जाके उन्होंने कन्वेंसिंग की है, कैंपेन किया। अच्छा दूसरी बात सुभाष जी एक बात और पूरी होने दीजिए, वर्चुअल माध्यम था, मैं आपको फोटोज भी दे दूंगा, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। वर्चुअल का माध्यम था, कोरोना काल चल रहा था, वर्चुअल के माध्यम से हरीश रावत जी ने हर बड़े नेता ने ज्वाइनिंग करके किया है। और आप बता दीजिए मुझे कि आपके पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरी की पूरी 70 विधानसभा कन्वेंसिंग की है क्या प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए? संजीव वर्मा जी सवाल उठाने से पहले आप अपने आप को देखिए, तो आप मुझे तारीख बता दीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगा। समय बहुत कम है, अंतिम कमेंट लूंगा संजीव वर्मा जी आखिरी कमेंट लूंगा आपसे, बड़े नेता हैं या नहीं है 10 मार्च को पता चल जाएगा, जैसा आप भी कहते हैं कि 10 मार्च को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है, वैसे ही अमनदीप भाई कह रहे हैं 10 मार्च को पता चल जाएगा कि बड़े नेता हैं या नहीं। अब मेरा आखिरी सवाल ये कि यदि कांग्रेस जीत जाती है विधानसभा चुनाव और हरीश रावत भी जीतते हैं तब तो मानेंगे बड़े नेता? लगता है नेटवर्क चला गया। अमनदीप भाई मेरा सवाल आपसे आखिरी, ठीक है आपने कहा कि हरीश रावत बड़े नेता हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है कांग्रेस को घेरने के अलावा, लेकिन हरीश रावत को ही घेरते हुए नजर आते हैं बीजेपी वाले, ठीक हरीश रावत को ही घेरते हुए नजर आते हैं, तो इससे मानते हैं कि हरीश रावत का कद और बढ़ रहा है? देखिए ऐसा है कि हरीश रावत जी का कद बढ़ रहा है, हरीश रावत जी के ऊपर उंगलियां इसलिए बार बार उठाते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, हमारे प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक नेता के पास, बड़े नेताओं के पास एक्सपीरियंस है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने प्रदेश के लिए कार्य किए हैं, तो इनका प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक हरीश रावत जी पे उंगलियां उठाता है। और दूसरी बात देखिए, अभी जो फिलहाल पूरन फरतियाल जी की बात चल रही थी, तो इन पे तो ऑलरेडी इनकी पार्टी इनको खुद अनुशासनहीनता के तहत लेटर दे चुकी है, एक हफ्ते का जवाब दिया था, तो ठीक ये चीज है। ठीक वर्मा जी आखिरी कमेंट लूंगा आपसे, वर्मा जी आवाज आ रही है? लगता है आपसे आप कनेक्ट नहीं हो पाए। अजय पांडे जी आपसे आखिरी कमेंट लूंगा, इसके बाद डिबेट को खत्म करेंगे। पांडे जी जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आपने सुना और फील्ड में भी आप देखते होंगे कि लगातार आरोप लगते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इससे हरीश रावत का कद और बढ़ेगा जिस तरीके से लगातार बीजेपी उन्हीं के नाम को लेती हुई नजर आती है? तो
अनम्यूट कर लीजिए। देखिए 10 मार्च को जब मतगणना होगी, जब ईवीएम खुलेगा, तभी पता चलेगा कि किस पार्टी की सरकार बनती है और किसको जनता पूरी तरह से नकार रही है, किसको विपक्ष में बैठने का मौका दिया जाएगा। लोकतंत्र में हार और जीत, इन दोनों के अपने अपने जगह पर मायने हैं। जो पार्टी जीतती है, इसका मतलब यह है कि जनता में उसकी स्वीकार्यता है, जनता उसकी नीतियों पर भरोसा करती है, और जो 5 साल का जो रोड मैप है अगले 5 साल का, उस पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। जो पार्टी हारती है, उसको विपक्ष में बैठने का मौका मिलता है, और राजनीतिक दल और लोकतंत्र में सभी लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि अगर जनता ने नकार दिया है, जनता ने विपक्ष में बैठाया है, तो उसके बाद वहां पर बैठ करके वो जिस तरह से जनहित के कार्य करते रहे हैं, वो अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों के जितने भी बड़े नेता रहे हैं, बड़े चेहरे रहे हैं, वो चुनाव प्रचार के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर के कहीं और ज्यादा दूर नहीं जा पाए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी अपनी जगह पर एक जगह पर टिके रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी बहुत सारी जगहों पर नहीं जा पाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने क्षेत्र में ही जमे रहे, वो खटीमा छोड़ करके बहुत आगे कई जगहों पर नहीं जा पाए। इसी तरह से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, वो भी हरिद्वार में ही जमे रहे। तो राजनीतिक दलों को नतीजे हैं 10 मार्च को वो बताएंगे कि हरीश रावत बड़े नेता हैं या नहीं है, या फिर यूं कहा जाए कि बीजेपी जिस तरीके से हरीश रावत का नाम बार बार ले रही है, तो कहीं उनका कद और ना बढ़ जाए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता हरीश रावत को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, यानी कि 10 मार्च का दिन ही बताएगा कि आखिरकार क्या सच में हरीश रावत बड़े नेता हैं, या फिर यूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल कहीं ना कहीं एक दूसरे पर बयानबाजी करती हैं और बड़े और छोटा नेता बताने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इंतज़ार होगा 10 मार्च का, जिस दिन पता चलेगा कि उत्तराखंड में बड़ा नेता तो अलग बात है, लेकिन बड़ी पार्टी कौन है, जनता ने किसे पसंद किया है और किसको जिताकर विधानसभा तक पहुंचाती है उत्तराखंड की जनता, और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या सच में हरीश रावत को जनता का प्यार मिलता है या फिर वापस कांग्रेस जिस तरीके से 2017 में बिखरी थी, वो स्थिति 2022 में तो नहीं होती है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।